प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भारतीय समाज पार्टी के सर्वे सर्वा ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं और काफी दिन बाद वाराणसी आना हुआ ओम प्रकाश जी, और क्या वजह है, नहीं इस बार ध्यान कहीं और किसी और जिले में ज्यादा लग रहा है आपका? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इधर से नर्सरी से पौधे उपार के पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी रोपाई कर रहे थे, इस वजह से विलंब से आए हैं। जिस तरह से 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी गाजीपुर पहुंचने वाले हैं, बड़ी चर्चा का विषय है। ये भी हुआ कि अगर मंच पर नहीं रहेंगे आप तो किस तरह से चीजें देखी जाएंगी, क्या है प्लानिंग, किस तरह से होगा और क्यों जा रहे हैं वहां पे, अचानक से गाजीपुर की याद आ गई? देखिए, जो सोशल मीडिया पे मैसेज हमने पढ़ा तो महाराजा सुहेलदेव जी के बहाने 20 लोकसभा सीटों के जो बहुतायत संख्या में राजभर समाज रहता है उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की कवायद, ऐसा मैसेज कन्वे हुआ उनके नेताओं द्वारा भी जो प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हमने तो मन बना लिया वहां जाएंगे नहीं हम, क्योंकि पिछली बार जब भी चाहे आजमगढ़ आए, चाहे गाजीपुर आए, चाहे बनारस आए, तो सब जगह आए कोई बात नहीं, लेकिन गाजीपुर जब वो आते हैं तो हम वहां के प्रतिनिधि हैं, मिनिस्टर हैं सरकार के, और आप नहीं बुलाते हो और आपके लोग गांव गांव प्रचार करते हैं कि नहीं चलिए सब लोग मीटिंग में नेताजी आएंगे, तो भीड़ तो जुटा लेते हो और भीड़ जुटा करके अपनी बात बताते हो। इस नाते हमने मन बना लिया, पहले ही मैसेज दे दिया हम वहां नहीं जाएंगे। आपको आमंत्रण है कि नहीं? नहीं, आमंत्रण नहीं है। जिस तरह से भी 3 राज्यों की हालत देखने में आई है, 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी 3 जगह धराशायी हो गई है, तो ओम प्रकाश राजभर क्या क्या करना है इस पर? देखिए, राजस्थान तो वहां नंबर आता है भाजपा और कांग्रेस का, तो वहां की जनता ने नंबर इस बार कांग्रेस को दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और ये जो चुनाव का परिणाम है, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने जो SC ST एक्ट संशोधन किया था उसका नुकसान वहां झेलना पड़ा, 5 लाख से ज्यादा लोगों ने नोटा दबाया जिसकी वजह से हार गए। हनुमान जी को दलित बता देना ये भी एक विषय था। एक आखिरी सवाल बनता है कि राम मंदिर मुद्दा फिर से एक बार उठा है, क्या राम मंदिर का कुछ हो पाएगा लगता है आपको? ये चुनावी मुद्दे हैं, जब चुनाव आता है तो भगवान राम याद आते हैं, चुनाव बीत जाएगा तो फिर देखिएगा फिर कोई राम का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। बंधन का हिस्सा हो सकते हैं 2019, भाजपा चाहेगी तो हो जाएंगे। तो जिस तरह से ओम प्रकाश जी का कहना है कि गुरहेज नहीं है, हो सकता है अगर भाजपा ने साथ नहीं दिया तो महागठबंधन का हिस्सा भी बन सकते हैं। फिलहाल राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन अब 2019 नजदीक है, जल्द पता चल जाएगा क्या होने वाला है। गोपाल मिश्र, ETV वाराणसी।